गाइस अभी अभी एंड हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच, और ये मैच की पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, तो पूरी मैच की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट उससे पहले आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस डाउनलोड कीजिए प्ले स्टॉक 11 एप्लीकेशन, डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइनअप कीजिए। साइनअप करते टाइम पे मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उससे आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे एप्लीकेशन के इंटरफेस पे आइए, इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पे आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के मैच को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैच को सेलेक्ट करके मैं टीम क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको क्रेडिट बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, इस वजह से मैं आप अच्छी से अच्छी टीम बना सकते हैं। अभी जब मैं आपको अपने मैच का प्रीव्यू दिखाऊंगा, जब अपनी टीम का प्रीव्यू दिखाऊंगा, तो आप खुद कहेंगे कि मैंने बड़े से बड़े नाम इसके अंदर शामिल करे हैं और यहाँ पे मेरे को कोई भी क्रेडिट की कहीं भी दिक्कत नहीं आई है, इतना अच्छा यहाँ पे इसको अंदर क्रेडिट मेरे को देखने को मिलता है। 2 मैचेस से ही मैंने यहाँ से 1000 रुपये की अर्निंग करी है, लाइव विड्रॉल का प्रूफ भी मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। तो जल्दी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 50 रुपये कलेक्ट कीजिए साइन अप के दौरान ही, जल्दी जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गाइस दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पे टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया, सारी टीमें यहाँ पे फील्डिंग करते हुए हार रही हैं, बट फिर भी यहाँ पे ये फैसला दिल्ली के कैप्टन ने लिया कि यहाँ पे हम पहले फील्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग थी, इस बार ओपनर ने अच्छा करा, ओपनर ने ये अच्छा करा कि यहाँ पे वार्नर ने 45 रन मारे 33 बॉलों पे और बेस्टो ने खेली 53 रन की अर्धशतकीय पारी। लास्ट में यहाँ पे विलियमसन आई, बहुत ही अच्छी पारी विलियमसन ने खेली 26 बॉलों पे 41 रन की, मतलब पहला ही मैच खेल रहे थे और पहले मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई मेरे हिसाब से तो विलियमसन ने भी। उसके बाद यहाँ पे 7 बॉलों पे 12 रन यहाँ पे अब्दुल समाद ने भी मार दिए। अब जो यहाँ पे टीम का टोटल स्कोर था वो था 162 रन 20 ओवर के नुकसान पे। अब यहाँ पे 20 ओवर में 162 रन थे टीम के, यहाँ पे रबाडा ने अच्छी बॉलिंग कर दी, 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट ली थी और अमित मिश्रा ने यहाँ पे 4 ओवर में 35 रन देके 2 विकेट ली थी। अब यहाँ पे दबंग दिल्ली की जब बैटिंग आई तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि 162 यहाँ पे बड़ा स्कोर नहीं है दबंग दिल्ली की टीम के लिए, बिकॉज यहाँ पे सारे प्लेयर्स इनफॉर्म थे। बट यहाँ पे पृथ्वी शॉ की विकेट पहले ही ओवर में गिर गई भुवनेश्वर कुमार की एक शॉर्ट पिच बॉल पे। उसके बाद यहाँ पे धवन ने थोड़ा बहुत बल्ला चलाया, 4 चौके मारे 34 रन निकाले। उसके बाद धवन भी यहाँ पे राशिद खान की बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद गाइज यहाँ पे राशिद खान ने दूसरी विकेट ले ली अपनी यहाँ पे श्रेयस अय्यर के रूप में, श्रेयस अय्यर कप्तान 17 रन की पारी खेल के आउट हो गए। ऋषभ पंत ने भी यहाँ पे 28 रन की पारी खेली और ये भी यहाँ पे राशिद खान के ही शिकार हुए। उसके बाद गाइज भुवनेश्वर ने हेटमायर को चलता करा, लास्ट में टी नटराजन ने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली स्टोइनिस की। मार्कस स्टोइनिस अगर सेट हो जाते तो मेरे हिसाब से मैच वैसे भी फिनिश हो जाता, बट मार्कस स्टोइनिस को सेट नहीं होने दिया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नटराजन की विकेट की मैं ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। उसका खलील अहमद आए, बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल को, रबाडा बेशक 7 बॉलों में 15 रन बना के नॉट आउट रहे, बट यहाँ पे जब तक मैच बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। 147 रन बना पाई यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7 विकेट के नुकसान पे, 15 रन से मैच जीता हैदराबाद ने। आज की बेस्ट परफॉर्मेंस रही राशिद खान की, मेरे हिसाब से राशिद खान को यहाँ पे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, बिकॉज 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन देके 3 विकेट हासिल करी, 3.5 की इकोनॉमी थी, बहुत ही कम इकोनॉमी थी। भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट निकाली और यहाँ पे खलील अहमद ने 1 विकेट निकाली और 1 विकेट निकाली यहाँ पे टी नटराजन ने। और इसी के साथ यहाँ पे जो मैच है ये सनराइजर्स हैदराबाद के यहाँ पे पक्ष में गया, सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने लीग का पहला मैच जीता और शायद इससे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हौसला ही मिला होगा यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पे आ चुकी है। सो गाइज ये थी पूरे मैच की कहानी, आप बताइए आपको पूरे मैच की कहानी कैसे लगी इस वीडियो के साथ। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर कर दे इस वीडियो को, प्ले स्टॉक 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट बिलो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।